गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज संस्कार शर्मा. आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास इन रियोम अकेडमी किड्स स्कूल. आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे. सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. इनको इंग्लिश में कहेंगे प्रथम पुरुष को फर्स्ट. प्रथम पुरुष इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट पर्सन. मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन. अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन. और प्रथम पुरुष जो वक्ता होता है, बोलता है, उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है. इंग्लिश में आई मतलब होता है मैं, मेरा, मुझको. बी मतलब होता है हम, हमारा, हमको. और मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, सुनने वाला, उसके लाने यू यानी कि तुम, तुम्हारा, तुमको, आप, आपका. और जो अन्य पुरुष होता है, जैसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अपन बात करते हैं, उसको अन्य पुरुष कहा जाता है. जैसे यह, वह, उन्हें, वे, उस, उनका, उसे, ऐसे, उसका. अब निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता बताते, निश्चितता की जानकारी मिलती है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. जैसे वह, यह. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यह वह यहाँ भी हैं और नीचे ऊपर भी हैं आप. तो ये होता है, यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, लाभ पुरुष हो. और इसका यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चितता की जानकारी होती है. जैसे कुछ, कोई. जैसे दाल में कुछ काला है. जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, जैसे अब हमको क्या पता दरवाजे पर कौन खड़ा है. ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न करने की जानकारी होती है. कौन, कौन, किसका, क्या, कहाँ. अगर बाकी में प्रयोग करें तो आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, ऐसे. अब संबंधवाचक सर्वनाम पे आए तो जो संबंधता बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे जैसा, वैसा, यदि, तो, जितना, उतना. अगर वाक्य में लें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यदि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए, ऐसे. अब निजवाचक सर्वनाम पे आए तो अपने लिए इन शब्दों का उपयोग करता हो. जैसे अपने, स्वयं. जैसे खुद, खुद. जैसे अगर वाक्य में ले तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं सुबह खुद जाग जाता हूँ.